श्री राम प्रिय भक्तों, आज का टॉपिक है कि अपने मन को नाम जप करने के लिए कैसे मनाएं, क्योंकि ये मन सबसे बड़ी बाधा है। मन ही नहीं करता कि हम नाम जप करें। हम ये करना तो चाहते हैं कि प्रभु का नाम थोड़ी देर बैठ के जपें, लेकिन फिर ये मन कहता है छोड़ो, इससे कुछ नहीं होगा। तो प्रिय भक्तों, मन का तो काम है, क्योंकि इस मन को आदत है जन्म जन्मों से संसार में विचरण करने की, गंदे जगह पर जाने की, और ये संसार असत्य है, ये बार बार वहीं जाता है क्योंकि हमने इसको आदत डाल रखी है। लेकिन प्रिय भक्तों, नाम जप में अगर आप लगाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एक काम करना होगा। आप पहले तो ये अपने मन में सोचें कि मुझे नाम जप करना है, प्रभु का स्मरण करना है, भजन ध्यान करना है। फिर देखो, अगर आप शुरुआत में ये चाहें कि आप आधा घंटा कर लें या एक घंटा कर लें, तो ऐसा असंभव है, क्योंकि मन को अगर आपने ये कह दिया कि एक घंटा जपना है तो मन राजी हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन सोचेगा कि एक घंटा तो बहुत ज़्यादा है, बिल्कुल भी मैं नहीं करूँगा। तो मन को आपने शुरुआत में लालच देना है, मन को कहना है कि बस एक मिनट नाम जप करना है, केवल एक मिनट, तो मन तुरंत मान जाएगा और आप खुशी खुशी नाम जप करेंगे और आपका मन भी नाम में ज़्यादा लगेगा। मतलब पहले की बजाय एक मिनट जब आप करोगे तो वो बाहर नहीं जाएगा, एकाग्र रहेगा, जहाँ आप नाम जप कर रहे हो वहीं रहेगा। तो फिर एक मिनट कर लें, फिर आप हट जाएं, अपना काम करें, फिर एक आधा घंटे बाद फिर कहें कि केवल एक मिनट नाम जप करना है, फिर एक मिनट कर लें। ऐसे दिन में कर करके कम से कम 6-7 बार करें एक एक मिनट, तो टोटल आपकी 6-7 मिनट हो जाएंगी। ऐसे ही रोजाना थोड़ा थोड़ा समय बढ़ाते रहें, फिर बोले 7 मिनट करना है, फिर बोले 8 मिनट करना है, धीरे धीरे करते करते आपका समय बढ़ जाएगा और आपका मन इधर उधर भी नहीं मांगेगा। और एक दिन ऐसा आएगा कि इस मन को पूर्णतः नाम जप करने की आदत लग जाएगी, क्योंकि जो सुख पाया राम भजन में सो सुख नहीं अमीरी में। इस नाम को पता चल जाएगा कि हरि नाम अमृत है, तो इस अमृत को छोड़कर वो कहीं जाएगा नहीं। बस थोड़े से दिन आप इसे मनाएं, एक एक मिनट करके, फिर देखें किस तरह से ये नाम में लगता है।